आप सबके मन में तरह तरह के सवाल जरूर उठता होगा कि चैनल मोनिटाइज कब होता है। तो गाइस, इन सवाल का जवाब आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी से। एक रियलिटी शेयर करने वाली हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ भी वो सभी चीजें हुई हैं जो आप सबके साथ हो रही हैं। जैसे आप लोग एक्साइटमेंट के साथ अपने चैनल को मोनिटाइज होने का अवेट कर रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर कब बनेंगे, कब आपका चैनल मोनिटाइज होगा। मैं भी कभी इस तरह से इंतजार करती थी, वेट कर रही थी कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो। तो गाइज, आज आप सबको मैं सच्ची बात बताऊंगी, सच्ची कहानी बताऊंगी, अपने जीवन के यूट्यूब का एक एक पल आपके साथ में शेयर करूंगी, आप सभी को बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। गाइस, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं आप सबके साथ चैनल मोनिटाइज कब होता है इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ। गाइस, वीडियो बहुत लंबी नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, तभी तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। गाइस, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए किन किन का चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम के लिए जब तक आपके वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, इस पे मिलियन में व्यूज नहीं आते हैं, तब तक ना ही आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल सकता है और ना ही आपका 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है। तो वीडियोस को वायरल होना जरूरी है। अच्छा टॉपिक लीजिए, अच्छा टाइटल दीजिए, अच्छा थंबनेल दीजिए, चैनल पर SEO पूरा कम्प्लीट कीजिए, तभी आपके वीडियोज वायरल हो सकते हैं। गाइस, अगर आपको अपने वीडियोस वायरल करना है तो आपको कुछ हटकर करना होगा। टॉपिक ऐसा लेना है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, वो टॉपिक लेंगे तो आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा। और कोशिश कीजिए कि नई रेसिपीज तैयार कीजिए, नए वीडियोस लीजिए, नए टॉपिक लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल मोनिटाइज हो। अगर आपने चैनल बनाया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि चैनल के SEO को कैसे फिल करते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए चैनल के SEO को किस तरह से फिल किया जाता है, और उसके बाद जो अपलोडिंग का जो प्रोसेसिंग होता है इसको भी आप कंप्लीट कीजिए। वीडियो को अपलोडिंग से पहले कई सारे चीज़ें फिल करना होता है तो आप इसे भी फिल कीजिए। और गाइस, इस टॉपिक पर वीडियो मैं आप सबके लिए तैयार करूंगी। मेरा टेक चैनल नहीं है, मेरी कुकिंग का चैनल है, बट मैं एक यूट्यूबर के नाते आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। आप कमेंट कीजिए, आप सभी को मैं जरूर बताऊंगी। तो गाइस, जब आपके वीडियोस वायरल होंगे तब आपको 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 4000 घंटे वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। जब यह कंप्लीट हो जाता है तो YouTube की तरफ से भी आपको मैसेज आएगा, ईमेल पर आपको मैसेज आएगा, आपका चैनल मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो आप खुद भी चेक करते रहेंगे कि कितना सब्सक्राइबर हुआ है। सब्सक्राइबर अगर 1000 हो जाता है तो आप वॉच टाइम भी चेक कीजिए। एक बात और है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपको एक साल में कंप्लीट करना है, पिछले सालों की काउंटिंग नहीं होगी। इस ईयर में अगर आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। इसके बाद आप चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए भेजिए। भेजने के बाद बहुत जल्दी ही YouTube की तरफ से आपको ईमेल आता है, चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। चैनल पर ही एक सेटिंग होता है जहाँ से चैनल को मोनिटाइज किया जाता है, उस सेटिंग में आप जाएंगे। ये चीज़ आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं कि हम अपने चैनल को मोनिटाइज कैसे करें, तो आप वहाँ से देखकर चैनल को मोनिटाइज कीजिए। और सब कुछ भरने के बाद YouTube चैनल को चेक करता है कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए। गाइस, चैनल पर जो भी वीडियोस आप बनाते हैं वो आपका खुद का होना चाहिए, आप खुद क्रिएट कीजिए और बढ़िया से बढ़िया क्रिएट कीजिए, इसे अपलोड कीजिए। दूसरों की न वीडियो लेना है, न ऑडियो लेना है, न थंबनेल लेना है, और ना ही कोई भी ऐसी चीज लेना है, ना कोई ऐसा म्यूजिक लगाना है जिस पर आपको कॉपीराइट आती रहती है।
गाइज अगर आप दूसरे का चीज इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आप जब अपलोड करते हैं या फिर आप जब अपने चैनल में जब अपने वीडियोस की लिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉपीराइट आया हुआ है। तो जब कॉपीराइट आया हुआ है तो उस गलती से आपको परहेज करना है, वो काम आपको नहीं करना जिससे आपके वीडियोस पर कॉपीराइट आए। तो यूट्यूब आपके चैनल को सर्च करता है, देखता है कि आपने कोई ऐसा कंटेंट तो यूज नहीं किया है, दूसरे की कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। चेक करने के बाद सब कुछ अगर ओके होता है तो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में YouTube की तरफ से आपके घर एक कार्ड आएगा जिस पर एक कोड दिया होता है, चैनल पर उसे जाके फिल करेंगे और इसके बाद आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है। जिस दिन आपका मोनिटाइज होता है उसी दिन से जितना व्यू आएगा आपके रेसिपीज पर, वीडियोस पर, उस पर जितने ऐड मिलेंगे, ऐड से जो पैसे बनेंगे वो रोज के रोज आपको YouTube दिखाते रहते हैं। ये आप YouTube स्टूडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपके डेली का इनकम जो होता है वो आपको दिखाता है। आप डेली का इनकम लेना चाहेंगे या वीकली लेना चाहेंगे या मंथली लेना चाहेंगे, तो इस तरह से जो है YouTube आपको पैसे देते रहते हैं, भेजते रहते हैं। इसके लिए आप अपना एक अकाउंट नंबर देंगे, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो बैंक में जाके अपना एक अकाउंट खुलवाइए, उसमें आपके पैसे आते रहेंगे। बट गाइस एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आपकी वीडियोस वायरल होती है, जो वीडियो वायरल होती है उसी टॉपिक पर आपको लगातार वीडियोस डालते रहना है, यानी कि हर 2-3 महीने में उसी टॉपिक पर एक वीडियो डालना है और इसी तरह से चैनल आगे बढ़ता है। मेरी चावल का रसगुल्ला वायरल हुआ था बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने उस पर दूसरी वीडियोस डाली ही नहीं। इससे मुझे थोड़ा लॉस हुआ, तो मेरा चैनल उतना अच्छा ग्रो नहीं किया जितना होना चाहिए और इसके बाद से मेरी दूसरी वीडियोस वायरल अभी तक नहीं हुई है। मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप सबके सपोर्ट से मेरा वीडियोस जो है वायरल होगा और मेरा चैनल इस तरह से ग्रो करेगा। बट गाइस जब आपकी वीडियो वायरल होती है तो 10,000 सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ते हैं, मतलब और ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस लेवल पर है, इस पर कितनी वीडियोस वायरल हुई है। अच्छा वायरल हुई है जिसे बड़ा वायरल कहते हैं तो उस पर कम से कम 500 से 1,000 सब्सक्राइबर आपको एक दिन में मिल सकता है। तो सब्सक्राइबर को लेकर टेंशन मत लीजिए, केवल आप अच्छा काम कीजिए, लगातार वीडियोस डालते रहिए। एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर आप वीडियो अपलोड करें बट लगातार उस पर वीडियोस डालते रहिए। जब आप चैनल बनाते हैं तो पूरी मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ इस पर काम कीजिए। इस पर बहुत मेहनत करना होता है, बहुत पैसे खर्च करना होता है, तब जाकर आपको कामयाबी मिलती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।